मुझे समझ भी नहीं आता हमारे आसपास रहने वाले जितने भी लोग हैं वो दिलों में इतनी करवाहट इतना बोझ क्यों रखते हैं। किसी की खुशी देख के इनके अंदर आग क्यों भर जाती है। देखो अगर मेरा शौहर मर गया है तो इसमें मेरा क्या कसूर है, मैंने तो नहीं माना ना। और अगर किस्मत फिर से मेरे लिए कुछ अच्छा लिख रही है तो वो भी मेरा नसीब है ना। तुम्हारी बात समझ नहीं आ रही, क्या मतलब? रिदा, मुझे हर इंसान यही महसूस कराता है कि जितनी भी खुशियां मेरी जिंदगी में आने वाली है मैं उनकी हकदार नहीं हूँ। मेरे नसीब में जो था वो मैं झेल चुकी हूँ, अब मुझे अपने बारे में अपनी जिंदगी के बारे में सोचने का कोई हक नहीं है। अगर मैं सोचूंगी तो वो जुर्म होगा और मैं मुजरिम होगी। साधिया, ये तुम क्या कह रही हो? दिन में घर आने वाली कई औरतें मुझसे ऐसी बातें तो करती हैं। साधिया मेरी बात सुनो, तुम कुछ भी नहीं करोगे, मैं शाम में आती हूँ, हम लोग बैठ के बात करते हैं, ठीक है? अच्छा, मैं आती हूँ, हम बात करते हैं। हेलो उस्मान। जी जी बाजी, मैं सुन रहा हूँ, बोले। भाई तुम्हारी बीवी तो बहुत ज्यादा राजदारी बरत रही है, अंदर से उसने कुंडी लगाई हुई है और आहिस्ता आहिस्ता पता नहीं किससे बात कर रही है। क्या तुम तो ऐसे हैरान हो रहे हो जैसे तुम्हारी बीवी कुछ गलत कर ही नहीं सकती है, दूध की धुली हुई है वो है। अम्मा कब से उसे आवाजें लगा रही है लेकिन बीवी को कोई होश ही नहीं है। आप अभी दरवाजा लॉक करें और बाहर निकालें उसे। नहीं नहीं, आई एम सो सॉरी, मैं नहीं पड़ती तुम्हारी बीवी के मामलों में, मुझे तो तुम माफी रखो। अच्छा ये बताओ कि पैसों का कुछ इंतजाम हुआ कि नहीं और घर कब आ रहे हो? नहीं हुआ। नहीं हुआ? हाय अल्लाह, अब क्या होगा? सुनो मैं, हेलो हेलो, हाय अब मैं क्या करूंगी। Hi guys, it's me, Mani Bhatt. And this is me, Ramsha Khan. And you are at the Air Bhatt Digital's YouTube channel. Yeah. Do subscribe it for more videos. खाना खा लो फिर। मुझे भूख नहीं है। नाराज हो मुझसे? अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा कसूरवार हूं तो जो सजा देनी है दे। तुम्हें क्यों सजा दूंगी मैं? सजा तो उन लोगों को मिलनी चाहिए जिन्होंने मुझसे मेरी खुशियां छीन ली, मेरा सुकून बर्बाद कर दिया, मेरी हस्ती बस जिंदगी में आग लगा दी। असल में मैं उनको इस जुर्म की सजा देना चाहती हूँ, उनके खिलाफ केस करना चाहती हूँ। फिरहीन तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। अरे वो मेरे माँ बाप हैं यार, तुम मैं केस नहीं कर सकता उनपे। क्यों नहीं कर सकते? मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी उन लोगों ने, मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया, तुमसे तुम्हारा वारिस छीन लिया, तुम्हें उनके खिलाफ केस करना पड़ेगा सर। फिरहीन ये मेरे हाथ देखो,
भूल जाओ इस बात को। मैं मानता हूँ कि मेरे माँ बाप और काशवा कसूरवार हैं। उन्होंने हमारी खुशियां दफन कर दी, ऐसा रोक दिया जो हम कभी भुला नहीं पाए। मैं खुद उन्हें जिंदगी में कभी माफ नहीं करूंगा। अपने फायदे के लिए वो सब रिश्ते भूल बैठे हैं, लेकिन फरहीन में अपनी परवरिश नहीं भुला सकता। मेरे माँ बाप जैसे भी हैं, मैं उनके खिलाफ कदम नहीं उठा सकता। मैं हमेशा मेरा साथ, हर मोड़ पे मेरा साथ। आज साथ ना छोड़ना मेरी खातिर, फिर ही मेरी खातिर इस गम को भुलाने की कोशिश करो। फिर अगर अल्लाह ने चाहा तो औलाद की खुशी फिर हमारे दरवाजे पे दस्तक देगी। बहुत जल्दी है तुम्हें जाने की। हाँ, नहीं होनी चाहिए क्या? रिदा आ जाए। कशवा जी, रिदा वो मैंने तुम्हें साड़ी दी थी ना इस्त्री करने के लिए, वो हो गई होगी, जल्दी से दे दो। दरअसल फिर मैं लेट हो जाऊंगी तैयार होने में, तो तुम नाराज हो। नहीं वो मैं इस्त्री करना भूल गई, मैं भी कर देती हूँ। क्या आज तो मैं भी घर पे नहीं थी, अम्मा अब्बा भी नहीं थे, फारिग ही थी ना तुम, फिर भी तुमने इस्त्री नहीं की। भाई अगर मेरा काम नहीं करना था तो तुम साफ साफ मना कर देती। हाँ मैं नहीं जा रही अब। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे दिमाग से निकल गया था सच में, मैं अभी दो मिनट में कर देती हूँ। नहीं नहीं असल में बात यह है कि वो साड़ी तो तुम्हारी थी, तो मुझे देना ही नहीं चाहती थी। अगर नहीं देनी थी तो पहले ही मना कर देती भाई। वैसे बहुत बुरी बात है, इतनी इतनी छोटा सा दिल है तुम्हारा, है ना? मैंने कौन सी हमेशा के लिए रख लेनी थी, मैंने वापस ही करनी थी ना। ऐसी बात नहीं है काशमा बाजी, मैं आपको अभी करके दे देती हूँ। मैंने कह दिया मैं नहीं जा रही हूँ। काशवा बाजी रहने दो भाई, सुमान समझाएं काशवा बाजी को। मैं क्या समझाऊं यार, एक साड़ी तो प्रेस करनी थी, कर देती। बहुत बिजी थी ना तुम। वैसे आप मुझे बताएं, काशवा बाजी कपड़े आयन करना मेरा काम है? मुझे नहीं पता यार किसका काम है किसका काम है। उससे ये बातें मत करो, जाओ खुद जाके पहुंचो। उसे हद होती है उस्मान। जल्दी करनी होगी, मेरे पास टाइम नहीं है। जो तुम करना चाहती हो ठीक है मोमो, मेरे ख्याल से तुम्हें जेवर नहीं बेचना चाहिए। लेकिन अगर उनको उनकी पसंद के तोहफे नहीं मिले ना, तो पता नहीं अम्मी को बुरा भला कहेंगे, और वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऐसे लोग कभी खुश नहीं रह सकते, कौन के हाल भी छोड़ना बेहतर है। अगर बात मेरी मैगी की इज्जत की है तो मैं ऐसा ही करती हूँ, लेकिन अब मैं फैसला कर चुकी हूँ, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। प्लीज ये जेवरात बिकवा दो, फिर भले तुम बाद में चले जाना। तो दरअसल मुझे जेवर को बेचना नहीं आता, और मैं धोखा नहीं खाना चाहती। अगर तुमने फैसला कर लिया है तो मैं क्या कह सकता हूँ। सफीर इसके बारे में किसी को बताना नहीं, भरोसा रखो किसी को नहीं करना। भरोसा करती हूँ, इसीलिए तो तुम्हें बुलाया है। प्लीज जल्दी कर दो। बॉस बिल ला दीजिएगा प्लीज। इसकी प्राइस बता देंगे? इसकी आपकी प्राइस बनती है 315। इसके एक्सचेंज में आपने कुछ देखना है या फिर कैश करना है? नहीं कैश नहीं चाहिए, आप मुझे इसके बदले में अगर एक चेन हो सकती है वो दिखा दें, और एक सेट ऑफ इयररिंग्स। बस मेक श्योर करना कि मैं लॉस ना हो कोई एक्सचेंज में। कितने का है सर?
सब डिफरेंट प्राइसेस हैं। ये देखो सफीर कितनी प्यारी है, महंगी होगी ना। थोड़ा आउट ऑफ रेंज है। एक ये न्यू अराइवल आई हुई है, ये देखें। हाँ ये ठीक है। ठीक है, ये अच्छी है। और आप मुझे इयररिंग्स दिखा दें। दिखा दो, बाकी हटा दूं? जी। कुछ सेट्स हैं, अगर इनमें से भी इयररिंग्स पसंद आए तो ये भी देख सकते हैं। नहीं ये बहुत महंगा होगा, आप मुझे सिर्फ इयररिंग्स दिखा दें, मुझे नेकलेस नहीं चाहिए। देखें ये डिजाइन है, ये भी न्यू अराइवल है। हाँ ये बहुत प्यारी है। फिर इसकी प्राइस क्या है? इस विल फिट इन आवर प्राइस 230 का इसका अमाउंट बनता है आपका, और 85 की आपकी चेन होती है, अराउंड तकरीबन उसी के एक्सचेंज में आ जाएगा। सेम अमाउंट? हाँ, फिर आप मुझे ये दोनों दे दें। ठीक है। मुझे लग रहा है ये ज्वेलरी काफी नहीं होगी, मुझे कपड़े भी लेने पड़ेंगे अंकल आंटी और काशफा बाजी के लिए। बस कर दो रिदा, तुमने उनके लिए सोना ले लिया, ये काफी है। नहीं वो इतने से राजी नहीं होंगे, मुझे पता है ना सफीर। राजी तो वो कभी भी नहीं होंगे, मेरी बात लिख के ले लेते। जानती हूँ, आप प्लीज पैक कर दीजिए सर।